हेडिंग डालिए, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले सेल्स, तो देखिएगा सेल की थी हमने 150,000 यूनिट इंटू 20 रुपए के हिसाब से, तो 150 × 20 तो हमारी जो सेल्स आ गई 30 लाख। अब हमें चाहिए टोटल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ बहुत ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताइए, मैं अगर अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को देख रहा हूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, समझिएगा बात, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या बताता है, तो मेरी जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी सोची हुई थी मैंने कि मैं 160,000 यूनिट बनाऊंगा और एक यूनिट के 11 रुपए लगेंगे, यानी मेरी कॉस्ट लगेगी 17,60,000। बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्चुअल काम होने से पहले बना रहा हूं, तो अगर मैं ये सोचूं कि यार सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी 11 रुपए पर यूनिट लगेगी, लगी भले ही 1795 है, इसीलिए अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन क्रिएट होता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी पिछले साल 11 रुपए लगी थी तो इस साल भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट पर क्या लगती, 11 रुपए ही लगती। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, ये निकाली जाती है रिकवरी रेट से, तो पहले रिकवरी रेट निकालते हैं, तो मुझे जो फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 360,000 डिवाइड बाय मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है 180,000 यूनिट, तो ये मेरे पास एब्जॉर्प्शन रेट आ गई और इनटू मैंने इस बार प्रोडक्शन किया है 360 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 160, तो ये मेरे पास आ गया 320,000। मेरे पास दोनों कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस मैंने लिख दी कि अगर मैं एब्जॉर्प्शन रेट्स देखूं तो मेरी 11 रुपए की रेट तो वेरिएबल है और 2 रुपए की रेट मेरी क्या है,
फिक्स्ड है, तो इतना मेरा खर्चा होना चाहिए था। टोटल करिए, ये आ गया 20,80,000। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब इसमें प्लस करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मेरे पास 10,000 यूनिट थी और प्रीवियस ईयर में 13 रुपए की रेट थी, 11 रुपए वेरिएबल की, 2 रुपए मेरी फिक्स्ड की, तो मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है वो 13 रुपए पर वैल्यूड होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आइए, मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 20,80,000 जो कि 1,60,000 यूनिट पर है, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 20,000 का, तो ये मेरे पास स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ये वही क्वेश्चन है जो कल कर रहे थे हम, कल मार्जिनल का स्टेटमेंट बनाया था, अब हम एब्जॉर्प्शन का स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब हमें अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना है। ये देखिएगा हमारा ये जो फॉर्मेट था, हमने इसमें यहां तक की वर्किंग कर ली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, तो COGS आ गई। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,80 प्लस 1,30 माइनस 2,60,000 अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने सोचा था 17,60,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट लग कितनी गई, मेरी वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली में लगी 17,95,000। तो मैंने जो एब्जॉर्प्शन सोचा था वो कम रह गया कि नहीं रह गया? यस सर। ध्यान से सुनना बिल्कुल, 17,60,000 रुपए मैंने सोचे थे अकॉर्डिंग टू द रेट, कि भैया 11 रुपए की रेट पिछले साल लगी थी तो 11 रुपए की रेट इस बार लगेगी, तो मेरा खर्चा होगा 17,60। बट उसने दे रखा है कि एक्चुअल में 35,000 ज्यादा लग गए, तो इसका मतलब मेरी जो सोच है वो कम रह गई कि नहीं रह गई, कितने से कम रह गई? यानी इसको आप ऐसे समझो कि मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैंने 17,60,000 का खर्चा लिख दिया, ये तो मैं लिख चुका हूं अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन रेट, बट मेरा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है? 17,95,000। तो कितना और लिखूंगा कि ये खर्चा बराबर हो जाएगा? 35,000। बस उसको अब लिखूंगा बस अलग हेडिंग में, तो यहां लिखूंगा प्लस। सर वो एड एडजस्टमेंट वाला ही तो है ना, ये वाला पॉइंट? जी बिल्कुल, अच्छा, अंडर एब्जॉर्ब वाला। Under absorption of variable
अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। सर एक मिनट स्क्रॉल। हाँ 35,000 ये लो। थोड़ा सा यस सर। अब फिक्स्ड वाले पर आओ। मेरे फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने कितने लिखे हैं? 3,20,000। अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन रेट 3,20, बट फिक्स्ड कॉस्ट हुए तो 3,60 हैं। यस सर। तो कितने कम लिखे मैंने, कितने कम एब्जॉर्ब हुए? 40,000। 40,000 को वापस से लिख दो तो 40,000 से कॉस्ट और बढ़ जाएगी। मतलब सर जो चेंजेस हैं वो नीचे वाले में करने, बाकी डायरेक्ट डेटा गिवन है वो। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट तो मैंने कल भी आपको बताया था, पूरी लिखूंगा मैं, बट लिखने का तरीका चेंज हो गया। रेट के हिसाब से जो कॉस्ट निकली वो तो मैंने ऊपर लिख दिया, और जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की बात, वो मैंने यहां पर एडजस्ट कर दी। बताओ कितना आया? 40,000। टोटल करो कितना हो गया? 1950 प्लस 35 प्लस 40, 20,25,000 आ गए। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया 20,25,000। अब इसमें प्लस करूंगा वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था जितनी यूनिट बेचते हो उस पर लगते हैं, तो इनटू 3 रुपए के हिसाब से हमने 150 यूनिट बेची, तो 3 रुपए के हिसाब से लग गया 4.5 लाख। सर ये सारा डेटा अपन सेम ही लिखेंगे, बस ये अंडर एब्जॉर्प्शन वाले जो ना वेरिएबल और फिक्स्ड। हाँ जी, और उसकी वजह से चेंज और आ गया। हाँ, मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज हो गया सर। स्टॉक का वैल्यूएशन पूरा चेंज हो गया, क्योंकि वहां पर मार्जिनल में स्टॉक का वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट पर किया था, और यहाँ टोटल कॉस्ट पर वैल्यूएशन हो रहा है। जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि जो फिनिश गुड का स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक का ये होगा ना, मतलब एडजस्टमेंट इन्हीं का ही आएगा, अंडर और ओवर का है ना। हाँ, बाकी सब तो सेम ही रहेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। सेम क्या चीज, मतलब अमाउंट सेम या फॉर्मेट क्या सेम रहने? हाँ, अमाउंट सेम रहेंगे। अमाउंट सेम कैसे रहेगा, फिक्स कॉस्ट भी तो अलग अलग हो गई ना। देखो अमाउंट कैसे गया सेम, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वहां 1795 लिखी या 760 लिखी, वहां 360 लिखी या 320 लिखी, ओपनिंग स्टॉक वहां 1.10 लिखा था, यहाँ 1.30 आया है, क्लोजिंग स्टॉक भी अलग आया है, सेम कहाँ रहा कुछ भी? एक एडजस्टमेंट की वजह से सारा चेंज सारा तो यही तो नहीं, तो फिर अगर सेम ही होता तो फिर जरूरत कहाँ थी क्वेश्चन को बनाने की? उनको सारी वैल्यू चेंज हो गई ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। आइए, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं आपको? 270। ये लीजिए, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। इसको अपन बाहर ले जाएंगे, टोटल कॉस्ट 20,25,000 प्लस 4,50 प्लस 270, ये आ गया 27,45,000। प्रॉफिट निकाल लीजिए, 27,45 माइनस 30,00,000, 2,55,000 का प्रॉफिट आ जाए। यह आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट आ गया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब आप थोड़ा सा मेरी बात को समझना, अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को रियलाइज करोगे तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो मुझे बताओ,
वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट यहां 1760 लिखे हैं और 35 यहां लिख दिए, तो क्या मैंने टोटल मिलाकर 1795 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। फिक्स्ड पर आओ, यहां 320 लिखे और यहां 40 लिखे, तो टोटल मिलाकर कितना लिख दिया? 360। तो 360 ही मैंने वहां पर लिखा था। हाँ अब यानी मेरी बात को सुनना, एक पॉइंट जो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक न हो तो प्रॉफिट रिफ्लेक्टेड बाय बोथ स्टेटमेंट आर इक्वल। आप समझो बात को, मैंने खर्चे तो दोनों में इक्वल ही लिखे हैं, भले ही उनकी हेडिंग मैंने अलग अलग डाल दी हो, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट का डिफरेंस आया है वो केवल स्टॉक की वजह से आया है। आप देखो ध्यान से, एनालाइज करो फॉर्मेट को, मेरा कोई भी खर्चा कम या ज्यादा नहीं हुआ। हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो खर्चा है ना वो क्या हो गया, अलग अलग जगह लिखा, हेडिंग अलग हो गई, लेकिन मेरी बात समझ रहे हो आप, मैंने वेरिएबल खर्चे और फिक्स्ड खर्चे दोनों बराबर लिखे हैं। अंतर सिर्फ किस बात का है आप जानते हो, जो प्रॉफिट में डिफरेंस आता है वो स्टॉक की वजह से आता है। यानी अगर मैं ये मानू कि अगर किसी ईयर में मेरे पास ना तो ओपनिंग स्टॉक हो ना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक हो, तो जानते हो प्रॉफिट रिफ्लेक्टेड बाय बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्वल। किसी भी स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट आएगा वो बराबर ही आएगा। आप देख सकते हो अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हटा दूं, यहां से भी और वहां से भी, क्योंकि मेरे पास ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो अब बाकी का खर्चा तो सारा सेम है कि नहीं है। भले ही यहां 1760 और यहां 1735 लिखा और वहां पर एक साथ मैंने 1795 लिख दिया। हाँ सर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उसके बाद में, तो मतलब सेम ही आएगा। बिल्कुल, तो लिखिए इस बार। सर हाँ जी, ये ना ओपनिंग स्टॉक में 10,000 × 13 कैसे आया? पिछले साल का है ये ओपनिंग। हाँ 13 कैसे? 13 ₹11 वेरिएबल की रेट और ₹2 फिक्स्ड की रेट। अच्छा भाई यहाँ पर तो टोटल कॉस्ट पर वैल्यूड होगा ना फिनिश स्टॉक। देखो अपन ने ऊपर लिखा भी था नोट में, ये देखो आ गया, ये रहा अंडरलाइन, स्टॉक का क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, टोटल कॉस्ट पर वैल्यू। तो मैंने पिछले साल का जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया होगा तो टोटल कॉस्ट पे किया होगा, तो टोटल कॉस्ट ₹11 की तो मेरी वेरिएबल और ₹2 की मेरी फिक्स्ड, तो इसलिए मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन भी टोटल ₹13 पर हो गया। सर आपने ये कैसे निकाली ₹2 फिक्स्ड? क्या? हाँ सर ₹2 कैसे निकाले? अरे भाई क्या हो गया, कल ही तो पढ़ा था अपन ने, ये रो ये देखो मैंने पूरा समझाया था, टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी से रेट निकालते हैं। हाँ सर। अब इस क्वेश्चन में आओ, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 180,000 और टोटल खर्चा हुआ है 360 का, तो रेट क्या आ गई? बस ₹2 की रेट आ गई ना अपने पास। भाई यही तो अपन पढ़ रहे थे कि एब्जॉर्प्शन में अपने को यही तो मेन बात थी। देखो मैंने क्या लिखा है कि जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे वो रेट पर बेस्ड होंगे और रेट इस तरीके से निकाली जाएगी। तो मैंने पहले रेट निकाल ली कि मेरा फिक्स्ड प्रोडक्शन का खर्चा हुआ 360,000 का और मेरी नॉर्मल कैपेसिटी थी 180,000 यूनिट, तो इसका मतलब मेरी रेट क्या आ गई? ₹2। अब वो जो ₹2 वो जो ₹2 की मेरी रेट आई उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? नंबर ऑफ यूनिट से। तो मुझे पता लग गया कि मेरे फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा कितना एब्जॉर्ब हुआ। सर एक बात बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग का ही बना रहे हैं और ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ही बना रहे हैं ना, जो अपन यूजुअली पहले मार्जिनल को बनाते थे उसमें ओपनिंग क्लोजिंग का नहीं था। हाँ जिसमें अब इसमें तो सर मतलब क्या बोल रहे हो?
सर जो इससे पहले अपन ने मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट बनाया था ना हाँ प्रॉफिट का, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का नहीं था हाँ अब है। तो सर अपन जो अपनी बुक वो बनाते हैं ना कॉस्टिंग जब फॉलो करते हैं, तब सर इनमें ये वाला यूज करते हैं वो वाला यूज करते हैं। दोनों सेम ही है रिद्धि। अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग होगी तो वो वाला कैसे बना सकते हो आप? और अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होंगे स्टॉक के, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों स्टेटमेंट सेम है। आप चेक कर लो एक एक अमाउंट को, एक एक बात को। सर मैं इसकी और एब्जॉर्प्शन की नहीं बोल रही मैं, मैं मार्जिनल की ही बता रहा हूं, मैं भी अब्सॉर्प्शन की नहीं बता रहा आपको। मैं ये बोल रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग का जो स्टेटमेंट आपने पहले बनाया था वही स्टेटमेंट मैंने यहां बनाया है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा तो दोनों स्टेटमेंट सेम ही तो हो गए। आप देख लो ना, वहां भी आप सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करते थे तो कंट्रीब्यूशन आता था, हाँ माइनस सर। टोटल फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट। तो अगर मैं यहां से ये दोनों स्टॉक हटा दूं तो ये प्रॉफिट भी तो सेम ही आ गया, वही तो हो गया स्टेटमेंट। हाँ सर। इनकम स्टेटमेंट सेम ही होता है, लेकिन स्टॉक के होने का इम्पैक्ट बताया है बस मैंने आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है कि आपने जितना प्रोडक्शन किया उतना ही माल बिक गया। देयर मे बी सम क्लोजिंग स्टॉक। कंपनियां हमेशा अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखती हैं, तो अगर स्टॉक मेंटेन किया है तो इनकम स्टेटमेंट यहां एक प्रॉपर मैनर में बन गया हमारा, है तो वही इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं यहां से स्टॉक की वैल्यू हटा दूं तो मैंने देखो सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस की है, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आया, और कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस की तो मेरे पास प्रॉफिट आया। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया स्टेटमेंट्स में, सिर्फ मैंने एक नया एडजस्टमेंट डाला है कि इन केस अगर आपके पास स्टॉक का डेटा आ जाए तो फॉर्मेट को थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, काम स्टॉक का करना पड़ेगा जो आप लोग कॉस्ट शीट में पढ़ते थे। चलो मैं आगे लिख दूं इस नोट को जो मैंने आपको प्रॉफिट का बताया, क्योंकि ये वो रूल है जिन पर कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो लिखो सर, स्क्रॉल अप करना है उस लास्ट पांच। ये लो। यस सर। लिया सब में? आओ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो। पॉइंट नंबर वन, व्हेनेवर देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, whenever there is no opening and closing stock profit or loss under both statement under both statement will be equal, बोलो लाइन क्लियर है पहली? अगर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा तो जो प्रॉफिट दोनों स्टेटमेंट डिक्लेयर करेंगे वो क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा। लिखें सेकंड पॉइंट, अगर
अब जरा एक और पॉइंट पर अपन बात करते हैं, सुनना आप ध्यान से मेरी बात को। मान लो अगर, सुनना ध्यान से बात को बिल्कुल, अगर आपके पास ये कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ना आए, यानी आपका ना तो अंडर एब्जॉर्प्शन आए ना ओवर एब्जॉर्प्शन आए, और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम स्टॉक यूनिट हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को बिल्कुल, यानी आपके पास किसी भी प्रकार का कोई अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ना आए, और यूनिट्स क्या हो आपकी सेम सेम हो, तो आपको लगता है अब भी प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा? देखो मैं आपको बताता हूं, आपका यहां पर 10,000 यूनिट है, वो आपने 13 रुपए पर वैल्यूड किए हैं। सुनना बिल्कुल ध्यान से, जरा यहां पर रेट निकालो क्या आ रही है, 2080,000 को डिवाइड बाय 160 करो, सर 13। अब अगर ये भी मैं 10,000 कर दूं 20 के बजाय, तो एड और लेस का आइटम नलीफाई हो गए कि नहीं हो गए? 130 एड हुआ ओपनिंग स्टॉक का, 130 लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्या ये जीरो होकर 2080 ही नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मेरी बात को फिर सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स अगर सेम हो जाएं, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट सेम हो जाएं, और अगर आपकी एब्जॉर्प्शन रेट ही एक्चुअल ओवरहेड को डिनोट करे, यानी मान लो एक्चुअल ओवरहेड यहां पर जो ये 35,000 का एडजस्टमेंट है ये न होता, और ये 40 का भी एडजस्टमेंट न होता, तो क्या आपको लगता है अब वापस से प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा? हाँ सर, वो ऊपर से ही वो चल रहा है। समझ लो मेरी बात को, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं दो ही चीजों की वजह से आपका प्रॉफिट का चेंज आ रहा है, और दो भी चीजें क्या हैं, एक अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन और एक स्टॉक का वैल्यूएशन। यस सर। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर स्टॉक का वैल्यूएशन भले ही किसी भी चीज पर बेस्ड हो, लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग यूनिट बराबर हो गई, तो ये अमाउंट तो नलीफाई हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग तो नलीफाई हो गया। अब ये नलीफाई हो गया, और अगर ये 35 और 40 क्वेश्चन में होता ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो क्या आ जाता? इक्वल। इक्वल आ जाता। या अगर मैं ये बोलूं कि इक्वल नहीं भी है तो भी क्या प्रॉफिट बराबर आएगा? चेक करके देखते हैं। चलो मैंने बोला 17,60,000, सुनना बिल्कुल ध्यान से, प्लस 320 प्लस 35 प्लस 40 प्लस वेरिएबल सेलिंग कितनी थी आपकी, सारी कॉस्ट जोड़ रहा हूं उसमें, प्लस ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़कर, प्लस 450 और प्लस 270, 28,75,000 आई टोटल कॉस्ट। वापस सुन लेना, मैं सारी कॉस्ट का टोटल कर रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट ली 17,60,000, फिर फिक्स्ड ली 320, फिर ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ दिया क्योंकि ये इक्वल थे तो नलीफाई हो गए, फिर नीचे आया तो 35,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन, 40,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन, फिर प्लस 4,50,000 का खर्चा, प्लस 270 का खर्चा, बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 28,75,000 और माइनस सेल्स कर दो 30,00,000, तो बताओ प्रॉफिट कितना आया? लॉस आ रहा है सर, मतलब 125,000 का प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है 125 का, यहाँ तक क्लियर सबको? लॉस है सर, लॉस। अरे लॉस कैसे है भाई, 28,75,000 कॉस्ट है और 30,00,000 की सेल्स है, तो प्रॉफिट आ गया 125। आ जाओ ऊपर आओ, अब यही प्रॉफिट जरा यहां निकालते हैं। टोटल कॉस्ट वेरिएबल है 1795, फिर ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, क्योंकि अगर आपकी ओपनिंग क्लोजिंग की यूनिट इक्वल है, और इधर आओ
और खर्चे क्या क्या थे अपने? 450 और 360 और 200 और प्रॉफिट निकालो, सारी कॉस्ट जोड़कर कितना आ रहा है? सारी कॉस्ट जोड़ो और प्रॉफिट निकालो सर, सेम आ रहा है 1,00,000। सेम, तो मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट सेम होंगी तो भी दोनों स्टेटमेंट सेम प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो मैं सारी वही की वही लिख रहा हूं, बट सिर्फ मैं केवल एक डिफरेंस कर रहा हूं। आप देखो ध्यान से, पता यही चीजें एनालाइज होती हैं। मैंने यहां 1795 लिखा तो नीचे भी 1795 ही लिखा है, 1760 तो यहां लिखा और 35 यहां लिखा। लिखा तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 1795 1795 ही लिखा। यस, फिक्स कॉस्ट देखो, मैंने यहां फिक्स्ड प्रोडक्शन 360 लिखा मार्जिनल में, यहां मैंने 320 यहां लिखा और 40 यहां लिखा, तो टोटल कितना लिखा? 360। कॉस्ट बराबर हो गई। आ जाओ सेलिंग पर, आ जाओ सेलिंग का वेरिएबल 450 और फिक्स्ड 270, नीचे भी यही लिखा है 450 और 270। क्या मार्जिनल कॉस्ट में और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में टोटल कॉस्ट बराबर आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। हाँ सर बराबर है। प्रॉफिट भी बराबर आएगा ना, प्रॉफिट भी बराबर आएगा। यानी एक और रूल आ गया मेरे पास, और रूल ये आ गया कि अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट सेम होंगी तो भी दोनों स्टेटमेंट का प्रॉफिट इक्वल आएगा। एक तो मैं ये बोलूं कि स्टॉक है ही नहीं तो भी प्रॉफिट इक्वल आएगा, दूसरा मैं ये बोल रहा हूं स्टॉक तो है लेकिन जितना ओपनिंग है उतना ही मेरे पास क्लोजिंग है, तो भी दोनों स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा? सेम। तो लिख दो, ये भी एक रूल आ गया हमारे पास। जैसे आपने ये तो लिखी ना, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का पॉइंट नहीं है, होने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने प्रूफ कर दिया ना अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन है ना, इसमें खर्चा तो वही आया ना 1760 प्लस 35। हाँ तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है बताओ? हाँ सर वो इन टोटल आ गया, टोटल तो वही आएगा ना, उसको होने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखो व्हेनेवर यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर सेम, प्रॉफिट और लॉस अंडर बोथ स्टेटमेंट विल बी इक्वल। ये लीजिए एक और रूल आ गया, बोलो यहां तक क्लियर बिल्कुल दोनों बातें? आइएगा अब दो पॉइंट और हैं छोटे छोटे से, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे बताओ आपने जब मार्जिनल में स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आई थी? 224375 थी मार्जिनल। यस सर। ऑप्शन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? 260,000। नाउ अब मेरी बात को सुनना, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मैं लेस कर रहा हूं कॉस्ट में से, तो यानी ये कॉस्ट को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes.
बता बहुत ध्यान से समझो, ये पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके मतलब बेसिक उस पर जाते हैं कि हम ये कर क्या रहे थे और उसका इम्पैक्ट क्या क्या आ रहा है। वापस से देखो, मैं ये बोल रहा हूं जब आप एक कॉस्ट शीट बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कॉस्ट निकालते समय लेस कर रहे हो, तो क्या ये कॉस्ट कम हो गई कि नहीं हो गई क्लोजिंग स्टॉक की वजह से? हो गई है। आप देख लो ना, आप कॉस्ट में ये आइटम ऐड कर रहे हो, ये आइटम ऐड कर रहे हो, लेकिन ये लेस कर रहे हो, तो कॉस्ट विल बी लेस। यस सर। अब मुझे बताओ, जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक होगा क्या कॉस्ट उतनी ही डाउन होती जाएगी? हाँ सर। और कॉस्ट जितनी ज्यादा डाउन होगी प्रॉफिट उतना ही ज्यादा कम होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट बढ़ता बढ़ता है, है। बढ़ता है। वापस सुनना, देखो देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये इतनी सारी चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि छोटे जो एमसीक्यूज या वन वर्ड क्वेश्चन हैं यहां पर ये चीजें पूछी गई थी पिछली बार के पेपर्स में भी, ये चाहे एग्जैक्टली इस चैप्टर में से नहीं अलग अलग चैप्टरों में से, तो आपको उनके सारे रीजनिंग को समझना है। तो एक और रूल बना, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट ऑलवेज शो मोर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी तो पक्का पक्का कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो इनकम स्टेटमेंट ज्यादा प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेगा। आप फिर देखो, मैंने जब मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी माइनस की, और जब मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक 260 माइनस किया। तो मैं जितना लेस करूंगा कॉस्ट में से, कॉस्ट उतनी ही कम हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये मार्जिनल है, ये एब्जॉर्प्शन, कोई दो बातें हैं। यहां तक मेरे पास 100 रुपए कॉमन चल रहा था, इसमें मैंने क्लोजिंग स्टॉक के 15 माइनस किए और इसमें मैंने क्लोजिंग स्टॉक के 25 माइनस किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो मेरी कॉस्ट रही 85, सर यहां आपकी मेरी वॉइस क्रैक हो रही है। नो होनी तो नहीं चाहिए, हो रही है क्या भाई? सर। लो वापस सुनो, तो 85 मेरी मार्जिनल की कॉस्ट आ गई और 75 मेरी एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट आ गई। अब मान लो मेरी सेल्स 120 रुपए पर कॉन्स्टेंट है, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा प्रॉफिट बता रहा है? ये तो 35 का प्रॉफिट बता रहा है और ये 45 का प्रॉफिट। मेरी बात समझ आ रही है? अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन में तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यानी एक बहुत बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो हर हालत में ऐसा होगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा आए। बोलो रूल आया क्या समझ में? यस आराम से समझो, मुझे सर। कोई जल्दी नहीं है, लास्ट टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आराम से पॉइंट को एनालाइज करो फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू पैटर्न। कि छोटे क्वेश्चन में ये चीज पूछी जाती है, मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने कहा दोनों की कॉस्ट 100 रुपए थी, इसमें 15 का क्लोजिंग स्टॉक, इसमें 25 का, तो अब मेरी कॉस्ट रह गई 85 और 75। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो कॉस्ट कम हो गई, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो कॉस्ट कम हो गई। अब अगर कॉस्ट कम हो गई और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली मेरा जो एब्जॉर्प्शन का कॉस्ट स्टेटमेंट है वो हाई प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेगा। तो लीजिए रूल नंबर 3 आ गया, एक तीसरा पॉइंट भी आ गया मेरे पास। Whenever closing stock is more
opening stock. Whenever closing stock is more than opening stock, then profit as per absorption costing will be higher. और अगर ओपनिंग ज्यादा हो गया तो क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा. प्रॉफिट कम आएगा यानी किसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा? मार्जिनल. मार्जिनल. बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया क्लोजिंग से, तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट को बढ़ाएगा. ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट को बढ़ाएगा और कॉस्ट बढ़ती है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा. प्रॉफिट कम हो जाएगा. यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा है क्लोजिंग से तो आपके पास क्या होगा? ये कॉस्ट भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी. बट इसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई एब्जॉर्प्शन की. बट एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम हो गया. तो इसका मतलब मैं अगर ज्यादा प्रॉफिट की बात करूं तो मार्जिनल का जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा. सर यही वाला एग्जांपल एक बार ओपनिंग में लेके करना. यही वाला मार्जिन. ये मार्जिनल है एब्जॉर्प्शन. स्टॉक से पहले की कॉस्ट 100 है. इस बार ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो. यहाँ 15 का ओपनिंग है, यहाँ 25 का ओपनिंग है, तो कॉस्ट बढ़कर कितनी हो गई? 125. अब मान लो सेलिंग प्राइस थोड़ा बढ़ा देते हैं अपन, 130 रुपए कर देते हैं. प्रॉफिट निकालो सर. 15 तो बताओ किसका प्रॉफिट ज्यादा आया? मार्जिनल. यानी अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो मार्जिनल का प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट जो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेगा वो ज्यादा आएगा. क्लियर? हाँ सर. लिख दीजिए इस पॉइंट को भी. व्हेनेवर opening stock is more than closing stock. Whenever opening stock is more than closing stock, then profit as per absorption costing, sorry, profit as per marginal costing will be higher. Correct कर लो. Profit as per marginal costing ये लीजिए. मैंने आपको चार रूल बता दिए. ये बेस्ड ऑन इनकम स्टेटमेंट. बताइए क्लियर है बिल्कुल? Yes.